मुक्त वस्तु रेखा चित्र, ठीक है। शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे इसको, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त वस्तु रेखा चित्र। देखो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ाया था अभिलंब प्रतिक्रिया बल के बारे में, तनाव बल के बारे में, ठीक है। और NLM चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर में अपन मुख्य रूप से इन दो के बारे में बात करेंगे। आगे चल के स्प्रिंग भी आएगी, पर मुख्य रूप से जो है अपन अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा तनाव बल के बारे में ही बात करेंगे। किसी वस्तु पर या बॉडी पर या कण पर लगने वाले सभी बलों का चित्रीय निरूपण, चित्रीय निरूपण। किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का चित्रीय निरूपण, निरूपण लिखना है, निरूपण लिख देना। चित्रीय निरूपण क्या होता है? FBD होता है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, होता है। कहने का मतलब ये है कि FBD बनाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, वस्तु को निकाय में अलग अलग करके करके अच्छा वस्तु नहीं, वस्तुओं को, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को निकाय में अलग अलग करके सभी वस्तुओं पर बलों को प्रदर्शित करते हैं। ये इस चैप्टर का यूं मान लो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक मुख्य भाग है, क्योंकि अगर तुम्हें ये बनाना नहीं आएगा तो तुम आगे न्यूटन की गति के नियम नहीं लगा पाओगे, F बराबर एम है। इसको लिखो, फिर अपन सीखते हैं मुक्त वस्तु रेखा चित्र बनाना। तो ब्लॉक एम का FBD बनाइए, ये प्रश्न है अपना, तुम चाहो तो प्रश्न लिख लेना, ब्लॉक एम का FBD बनाइए। सबसे पहला काम ये होता है FBD बनाने में कि जितने भी निकाय के अंदर जितने भी मतलब ब्लॉक वगैरह जो जो भी है सबको अलग कर लो। अलग करने से मतलब चित्र में अलग करना, वास्तविकता में नहीं उठाना, वास्तविकता में नहीं छेड़ना उसको, बस उसको चित्र में अलग अलग करना, बस फोटोशॉप करके उसको अलग कर दिया, ठीक है, वास्तविकता में नहीं उठाया, ठीक है। इस तरह से ये है, हवा में लटका हुआ नहीं है वो, मैं भी बोल रहा हूँ, अभी भी वो जमीन पे रखा हुआ है, पर इसका FBD बनाने के लिए अपन ने ऐसा किया है। ओके, तो कोई भी ब्लॉक हो उस पर ग्रेविटी तो लगेगी, सही, mg। ध्यान रखना इस बात का, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होती है और उसका मान mg होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स m × g, ग्रेविटेशनल फोर्स m × g। अब देखो अगर वो हवा में मुक्त है तो उसका त्वरण एफ बराबर ma से mg से, देखो तुम, mg बराबर ma बराबर a बराबर g। एक तो ग्रेविटी जो है यहाँ पे लगेगी ही लगेगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे संपर्क है, संपर्क है तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा, यहाँ पे संपर्क है, जमीन और ब्लॉक के बीच में संपर्क है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा दबाने का प्रयास करता है, यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ लगेगा, माना कि एन है। इस एन का मान कितना है उसका डिस्कशन बाद में होगा, अभी सिर्फ अपन FBD बना रहे हैं, चित्रीय निरूपण। तो इसका प्रतिक्रिया ब्लॉक पे जो एन लगा उसका प्रतिक्रिया जमीन पर होगा, जमीन को ब्लॉक ने नीचे दबाया एन से, ब्लॉक ने जमीन को ऊपर दबाया एन से, दोनों एक दूसरे को एन बल से दबा रहे हैं। ये इसका अभिलंब प्रति, ये इसका मुक्त वस्तु रेखाचित्र हो गया, ठीक है। M1 और M2 का FBD बनाओ, धरातल का भी बना देना, पूरा कंप्लीट FBD बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी में सबसे पहले बॉडी को फ्री करो, फिर उसका जो है रेखा चित्र बनाओ। तो मुक्त वस्तु रेखा चित्र में सबसे पहले तो मुक्त कर दो,
एमजी एमजी नीचे बना दो, एमजी तो M1 G, M2 G, संपर्क सतह। देखो संपर्क सतह यहां पे है, ये ना संपर्क सतह, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा N1, इसका प्रतिक्रिया N1, N1, N1। एक संपर्क सतह यहां पर भी है, ये री संपर्क सतह, यहां पे भी संपर्क सतह, यहां भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, इसको N2 बोल देते हैं और इसका प्रतिक्रिया N2, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ये दोनों जोड़ीदार हो गए, ये दोनों जोड़ीदार हो गए। एमजी का जोड़ीदार धरती में होता है, उससे काम नहीं अपने को। एमजी का जो जोड़ीदार होता है यानी कि एमजी फोर्स का जो प्रतिक्रिया बल है वो धरती में होता है अंदर, उससे अपने को कोई काम नहीं, क्योंकि धरती तो अपने को हिलानी नहीं है, है ना, अपने को तो सिर्फ ब्रोक से मतलब है। चलो जी बनाओ अगला वाला FBD, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था। तो मैं FBD बना रहा हूं, अलग अलग क्या एमजी एमजी लगा दिया। अब यहां पे ये संपर्क माना कि N1 बल लगा, इसका प्रतिक्रिया यहां पे लग जाएगा N1। चलो जी दूसरा संपर्क ये रहा N2, क्या हो गया, आवाज कैसे नहीं आ रही यार। तो ये N1 N1 हो गया, ये N2 N2 हो गया, फिर गायब हो गया क्या, अपने माइक बंद करके रखो तुम, हो जाएगा। चलो अभी एक और संपर्क सतह देखो, ये वाली वर्टिकल, यहां पे भी संपर्क सतह है, तो यहां पे भी तो N लगेगा। मान लो ये है N3, ये है N3, ठीक है, N3 N3 हो गया। उसके बाद अभी ये F भी तो बच रहा है, ये F भी लगाओ, ये F, सभी बलों को रिप्रेजेंट यहां पे कर दो, हो गए सारे बल हो गए। चलो अगला प्रश्न करो, नत्तल पे ब्लॉक रखा हुआ है, इसका FBD बनाओ। टाइम दे रहा हूं तुम्हें बनाने का। चलो जी काफी लोगों ने इसमें गलती करी होगी, बताइए। एमजी ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, संपर्क सतह कहाँ है, ये रही संपर्क सतह, ये संपर्क सतह, संपर्क सतह के लंबवत ये लग गया मेरे एन, ये लग गया मेरे एन। और कुछ है यहां पे, कुछ भी नहीं है, बस इसका प्रतिक्रिया नत्तल पे ऐसे लगेगा। एक ब्लॉक है, ब्लॉक को रस्सी से लटका दिया है, इसका FBD बनाना है। ये ब्लॉक अलग कर लिया, जितने भी इस निकाय में वस्तुएं थी सबको अलग अलग कर लिया। रस्सी थी यहां पे, ब्लॉक था, एमजी ग्रेविटी तो है ही सही, रस्सी के कारण तनाव बल ऊपर लगेगा टी, रस्सी ने ब्लॉक पे ऊपर टी लगाया तो ब्लॉक रस्सी पे नीचे की तरफ टी लगा देगा, ठीक है। अब अगर रस्सी यदि आदर्श है तो तनाव एक समान होता। अब इस बिंदु पे आ जाओ, इस वाले पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे रस्सी इस छत को नीचे की तरफ टी से खींच रही है, तो ये रस्सी को ऊपर की तरफ टी से खींचेगा, ये इसका FBD बन गया। रस्सी आदर्श है ना बेटा, इसलिए तनाव एक समान होगा। अगर रस्सी आदर्श नहीं होती तो T1 अलग बनाता यहां पे, ये T1 T1 लिखता, इसको T2 T2 लिखता, है ना, पर चूंकि रस्सी आदर्श है इसलिए तनाव एक समान है। इस निकाय का बनाओ, ये इधर जो साइड में बना रखा है इसका FBD बनाओ, यहां भी रस्सी आदर्श है, रस्सी को आदर्श माने।
ये वस्तुएं मुक्त हो गई यहाँ पे, एम वन द्रव्यमान की, एम टू द्रव्यमान की। जो पुली है, घिरनी जो है वो आदर्श है। घिरनी आदर्श का मतलब भी वही है, जैसे आदर्श रस्सी हल्की और स्मूद होती है ना, उसी तरह से आदर्श घिरनी भी क्या होती है, हल्की होती है और द्रव्यमानहीन होती है। ठीक है, तो मान लो कि इसका एफबीडी जब मैं बनाया तो इस पे तो एम वन जी आया ग्रेविटी, एम टू जी ग्रेविटी, रस्सी में तनाव, माना रस्सी में तनाव टी है, तो ये रस्सी में तनाव टी अगर है तो टी वल से रस्सी खींचेगी ऊपर की तरफ, ये टी और ये भी टी। ठीक है, पुली पे तनाव इस तरफ, देखो यहाँ पे ऐसे देखो, ये इसको इसको देखो, तो इसको तनाव टी से नीचे खींच रही है, यहां से भी टी से खींच रही है, तो टी तनाव, टी तनाव। यहाँ पे हुक जो जुड़ा हुआ है, यहाँ टी डैश बना देते हैं या टी टू बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, ये टी डैश हो गया और इसका रिएक्शन यहाँ पे ये टी डैश हो गया, जहां पे टी डैश का मान टू टी हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ना, इसलिए। M1 तथा M2 का FBD बनाओ। माना कि वो N है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल N है, संपर्क बल लगेगा N, तनाव बल T और Mg तो है ही सही, M2g। और कोई बल है क्या इस पे? देखो कोई बल नहीं है, और इतना ही है। M1 पे देखो, नीचे की तरफ M1g, ऊपर की तरफ T, और कोई बल है क्या यहाँ पे? नहीं है। अगर घिरनी पे कोई पूछे तो घिरनी पे T इस तरफ और T इस तरफ रस्सी के कारण। सामान्यतः घिरनी पे बात नहीं करते हैं। कौन सी सतह है यहाँ की? कोई बात नहीं करनी, सब फिक्स जड़वत है, सब जो मूविंग पार्ट्स हैं उन पे बात कर रहे हैं, M1 M2 इन पे बात कर रहे हैं। मुक्त वस्तु रेखा चित्र बनाइए। यहाँ पे एक गेंद है जिसको इस तरह से फंसा रखा है दो नत्तल के बीच में, नत्तल के नति कोण एक तरफ वाले का अल्फा है, दूसरी तरफ वाले का बीटा है, द्रव्यमान जो है बॉल का वो एम है। गेंद को अलग करो, ठीक है, इसी को थोड़ा कर देता हूँ सेट, मतलब इसी को वापस रीअरेंज कर देता हूँ, ये नत्तल, ठीक है, थोड़ा दूर बना देते हैं शो करने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो इधर से जो नत्तल है उसका कोण अल्फा था, ये वाला नत्तल, ठीक है, ये कोण अल्फा, इधर वाला जो नत्तल था इसका कोण था बीटा, ठीक। mg तो लगना ही है नीचे की तरफ, mg लगा दो, ये mg, ठीक। संपर्क सतह के लंबवत, संपर्क सतह के लंबवत यानी कि ये वाला जो लाइन बनेगी केंद्र से गुजरने वाली, नॉर्मल फोर्स इस लाइन के अनुदिश लगेगा, इधर लग गया है n इस तरफ, माना कि ये n1 है, इसका प्रतिक्रिया इधर हो जाएगा n1 नत्तल पे, दूसरी तरफ n2 बना देते हैं, ठीक है, ये इसके लंबवत, संपर्क सतह के लंबवत, दूसरा लंब ये बन जाएगा, ये हो गया n2, इसका प्रतिक्रिया बल इधर बन जाएगा N2, बस खत्म। अब इसके कोण वगैरह तुम निकाल सकते हो, भाई N1 कितने कोण पर है, तो N1 जो है ऊर्ध्वाधर से बीटा कोण पर आएगा, ऐसे देख लो, यहाँ समांतर रेखा बना के देखो, जैसे ये बीटा है, ये बीटा है, N ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, N जो है ऊर्ध्वाधर से बीटा कोण पर आएगा, N1, N2, N1 ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पर आएगा, इस तरह से।
हेडिंग डालो निकाय। हाँ लिखो इसमें वस्तुओं का समूह, वस्तुओं या पिंड भी हो सकते हैं, पिंडों या कणों का समूह जो आपस में अंतःक्रिया, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, अंतःक्रिया करता है, जो आपस में अंतःक्रिया करता है, ठीक है, उसको निकाय कहते हैं। ठीक, इसके बाद लिखना आंतरिक बल। ठीक है, आंतरिक बल। आंतरिक बल निकाय के अंदर स्थित कणों या पिंडों के मध्य लगने वाला बल। आगे लिखो बाह्य बल। बाह्य बल क्या होगा? निकाय के अंदर वाले पिंड पर निकाय के बाहर वाले पिंड से लगने वाला बल। ठीक है, ये दोनों लिख लेना। फिर एक चीज और लिखना, वास्तविक बल की वास्तविक बल क्या होता है? आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं, बाह्य को एक्सटर्नल बोलते हैं, वास्तविक को रियल बोलते हैं बल। ठीक है, वास्तविक बल वह होता है जो एक पिंड या कण के कारण दूसरे पिंड या कण पर लगे, जैसे कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल, एक पिंड दूसरे पिंड पे लगाता है स्पर्श करके, घर्षण बल, तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सब वास्तविक बल है। फिर आभासी बल क्या होते हैं? छद्म बल, वो आगे मैं बताऊंगा।